वेलकम स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रोइंग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। ठीक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रोइंग डेजर्ट। सो लेट्स गो थ्रू द मेथड। फर्स्ट हम देखते हैं वेदर कैसा होता है। तो डेजर्ट हैव ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसे होता है? ड्राई क्लाइमेट होता है। ड्राई क्लाइमेट इन द सेंस वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हॉट वेदर वहाँ पे होता है, और उसके वजह से रेनफॉल बहुत कम रेनफॉल होता है। रेनफॉल जो होता है वो स्कैंटी रेनफॉल होता है। स्कैंटी मतलब बहुत कम रेनफॉल वहाँ पे होता है, और टेम्परेचर हाई। ठीक है, सो डेजर्ट्स हैव ड्राई क्लाइमेट, दे हैव हॉट वेदर कंडीशंस, रेनफॉल इज स्कैंटी रेनफॉल, दे रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल, एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो वहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल मतलब बहुत कम रेनफॉल होने के कारण वाटर जो होता है वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल देयर ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल देयर। सो इन दीज कंडीशंस डेजर्ट प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू ग्रो, वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब डेजर्ट प्लांट वेरी लिटिल वाटर के कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट कैन सर्वाइव इन वेरी लिटिल वाटर कंडीशन। ठीक है, सो हाउ दे कैन सर्वाइव, सो दे हैव डेवलप्ड सर्टन स्पेशल फीचर्स, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हुए होते हैं जिसकी वजह से वो इस हॉट कंडीशन में एंड वेरी लिटिल वाटर की अवेलेबिलिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट अडॉप्टेशंस दे हैव डन टू सस्टेन इन दिस हार्श कंडीशन। फर्स्ट इज दैट दे हैव वेरी फ्यू लीव्स। ठीक है, फ्यू लीव्स, बहुत कम पत्ते, बहुत कम लीव्स उनको होते हैं। एक्चुअली देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्टीम, सॉरी लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ठीक है, तो ठीक है पहला पॉइंट देखते हैं, वेरी फ्यू लीव्स दे हैव, बहुत कम लीव्स होते हैं, और उसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। ठीक है, सो दे हैव वेरी फ्यू लीव्स विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम losing water. Second point is that their leaves are modified. उनकी leaves जो होते हैं spines बन जाते हैं, modified to form spines. ठीक है, spines काटने थ्रॉन जैसे बन जाते हैं। Suppose this is cactus plant, तो ये उनके स्पाइन्स होंगे। ठीक है, सो इन दिस वे दे हैव फ्यू लीव्स एंड विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड दीज आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स एक्चुअली। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? अगर लीव्स उनके स्पाइन्स बन गए हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? तो फोटोसिंथेसिस उनका होता है इस पार्ट में जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, सो इन डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस इट्स कैरिड आउट बाय ग्रीन स्टेम। उसका स्टेम ग्रीन होता है और इसलिए वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण फोटोसिंथेसिस स्टेम में कैरी होता है। ठीक, स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, डेजर्ट प्लांट में लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और एज इट प्रोड्यूस फूड तो उसमें स्टोर होता है। तो उसका स्टेम जो होता है, उसका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है। फ्लैशी इन द सेंस जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे सेब, देखो अंदर से फ्लैशी होता है, इसी तरह इसका स्टेम जो होता है वो ड्राई नहीं होता वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के कारण, और वहाँ पे स्टार्च स्टोर्ड होता है, इसलिए उसका जो स्टेम होता है डेजर्ट प्लांट्स का फ्लैशी स्टेम होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो वाटर इज स्टोर्ड इन इट, उसी में भी वाटर स्टोर होता है, वाटर उसमें स्टोर्ड होता है। ओके, सो स्टेम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर फ्लैशी एंड वाटर स्टोर्ड इन देम।
ठीक है, अब वो देखते हैं उनके रूट्स के बारे में। तो हमें पता है रूट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व वाटर। रूट्स ऑब्जर्व वाटर और रूट्स रिस्पॉन्ड करते हैं जिस वाटर की तरफ, ठीक है। सो एज डेजर्ट हैज वेरी लेस वाटर, देयर प्लांट्स हैव रूट्स, उनके जो रूट्स होते हैं डीप इन द सॉइल, दे आर ग्रोन डीप इन द सॉइल, ठीक है। सो डेजर्ट प्लांट रूट्स गो डीप इन द सॉइल एंड अब्सॉर्ब वाटर। कि डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो सॉइल के अंदर डीप इन द सॉइल जाते हैं और वाटर अब्जॉर्ब करते हैं वहाँ से। तो एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जांपल्स हैं कैक्टस, प्रिकली पियर एंड डेट पाम। ओके, सिंपल है, कैक्टस, प्रिकली पियर एंड डेट पाम, ये सारे प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं डेजर्ट कंडीशन में, ठीक है। In the next video, we'll see plants adapted to growing marshy areas. Chalo.